ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਤੁਰਮਤ ਵੰਨੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹਾਂਡੇ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਟੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜਹ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜਹ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ ਪਾਰੋ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮੈਂ ਨਾਹੀ 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 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ
पकड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नम परवान गणेश है आए सकल तना के काम मेरे राम हर जन के हम बल जाई सांका कर जबर टुलावा चरण तूड मुख लाई मरण दोहु में नाही जान पर उपकारी जी नान दे भक्ति लायन हर स्यों लेन मिला सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती रात सच्चा सुख सच्ची वडियाई जस किस तिन जात पखा फेरी पानी तोवा हर जन के पीसण पीस तुमावा नानक की प्रभ पास बेनती तेरे जन देखण तेरे जन देखण परोपकारी आए जन परोपकारी आए परोपकारी आए जन परोपकारी आए जमन मरण विच नाही साधु जमन मरण विच नाही आउंदे ने पर उपकार वास्ते
जमण मरण बिन नाही आउंदे ने पर पुकार वास्ते सारे जपो जी अखा बंद करके चौंकड़े मार के देखो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आहे 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 गुरु बोलो ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ
होवे सब सवेल ए हो सजण असी सड़िया असी सड़िया साले सामे हाँ जी देहो सजन असी सड़िया जा सड़ियाँ जाओ वैसा ये हो सजन असी सड़ियाँ जाओ वैसा सामे ये हो सजन असी सड़ियाँ
शिषड़ियाँ जो वैसा Bye.
Yeah.
तेरे नाम ओ बिना और की होर जे मंगना सिर दुखां के दुख देहे नाम संतुखिया उतरे मन की भुख। परम सत्कार जो सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा सात संग जी आओ सारे सब तो पहला रसना पवित्र करो सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ प्यार नाल बुलंद आवाज विच फतेह बुलाओ सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी ने मेहर कीती है गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम दे तीसरे दिन तीसरे दीवान विच हाजरियां भरन लई पुजे आ। संगत अजे आ बहुत रही है आउण वाली संगत नूं बेनती है जिथे जिथे आप जी नूं जगह मिलदी है सतगुरु जी दे चरणां विच नमस्कार करके नतमस्तक हो के प्यार नाल गुरु साहब दे चरणां विच बैठण दा यत्न करो। भागां नाल सबब नाल इदां दा समां मिलदा है एवें ही ना किते इह वेला बीत जाए कुछ ना कुछ जरूर रल मिल के लाहा लई तन करके आए आ मन करके भी साडी हाजरी गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच लगनी चाहीदी। अशांत हां तड़पदे रहिंदे आ मन इदां पुजदे ने जिवें पट्ठी विच दाणे पुजदे आ। शांति है ही गुरु साहब दे चरणा विच ठंड है ही गुरु साहब दे चरणा विच पर यह तदी होएगा जे एकाग्र चित हो के गुरबाणी नूं सरवण करांगे। नह शीतलंग चंद्र देव है नह शीतलंग बावन चंदन है नह शीतलंग शीत रुतेन नानक शीतलंग साध सवजन है। चंद्रमा की रोशनी नूं ठंडा मन्निया कहिंदे भाई ये भी इन्नी ठंडी नहीं। चंदन नूं ठंडा मन्निया ये भी इन्ना ठंडा नहीं। सर्दी की रुत नूं ठंडा मन्निया गुरु साहब कहिंदे ने ये भी इन्नी ठंडी नहीं। फिर महाराज तुसी दसो ठंड है किथे? सतगुरु कहिंदे ने ठंड है साधना करन वालियां दी संगत विच। साधना करन वालियां दे हिरदे शांत हुंदे ने। साधना करन वालियां दी संगत विच बैठ के भी मन नूं शांति मिलदी भटकदे होए मन नूं सहारा मिलता है। ते साध संग जी प्यार नाल बैठिए जरूर कुछ ना कुछ जीवन विच क्रांति आएगी। जे जगियासू बन के आवांगे जे सचमुच मैं बेनती कल भी कीती सी कि असीं जरूर वेखणा कि अज खटिया की संगत विच गए हां कोई ना कोई माड़ी आदत छड़नी चाहीदी। जेड़ा भैड़ा सुभा बन गया उन्हूं छड़ना चाहीदा। हेमकुंड साहब गए हो जरूर कुछ ना कुछ एहो जी गलती जेड़ी आदत बन गई है उन्हूं सुधार लेना चाहीदा। मैं आया हेमकुंड साहब मैं अज तो मुड़ के शराब नहीं पीनी। मैं हजूर साहब आया मैं अज तो मुड़ के तंबाकू का सेवन नहीं करांगा। मैं अज अमृतसर साहब जी के दीदार किए ने। मैं आनंदपुर साहब आया
मैं केसगढ़ साहब ते तख्त केसगढ़ तख्त उत्ते मथा टेकिया है। मैं अज तो केस रखांगा, मैं दाढ़ा रखांगा। इदां दे गुरमुखो प्रण करने चाहिए ने, ताई साडा तीर्थां उत्ते जाना सफल है। नहीं ते जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे उए नर, फिर जो नहीं आवे। कहिंदे जे पानी कल्ले पानी च नहाउण नाल गल बनदी होवे, फिर ते डड्डू ते रहिंदा ही पानी विच, उहदा भला हो जाणा चाहीदा। कल्ला पानी नहीं, नाल बाणी वी जरूरी है। तन दा इशनान पानी नाल होना है, ते मन दा इशनान है जेड़ा ओ बाणी नाल होना। इसे करके सब नालों वड्डी भाई सेवा जेड़ी है गुरु घर विच, सेवा करनी, सेवा ते सिमरन दो खंभ ने। ये दो पोशाकां ने जेड़ियां गुरु घर विचों मिलदियां ने, तन वास्ते सेवा ते मन लई सिमरन। ये दो पोशाकां ने, तन ते भी पानी चाहीदी है, मन ते भी पानी चाहीदी। तन लई इथों सेवा मंगो, ते मन लई सतगुरां तों सिमरन मंगो। ये दो पोशाकां गुरु घर विचों मिल जाण, पारो तारा हो जांदा। ते सतसंग जी, हौली हौली फिर संगत करद्या करद्या मेहर होनी है। पूजो हो राम एक ही देवा, इको ही देवता असली रमिया होया राम। घट घट मैं हर जू वसै, संतन कहो पुकारो। घटा घटा विच वसया होया, रमिया होया राम, जेड़ा सब च रमिया होया। सब घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै। ओ राम घटा घटा च वसया जेड़ा, सत संगत पूजो हो राम एक ही देवा। सच्चा नावन गुर की सेवा, ये है सच्चा नाव। हुण हेमकुंड साहब गए हैं, वेखो सेवा किन्नी कीती, फिर ते सच्चा नाव है। अमृतसर गए हैं, सेवा किन्नी कीती। हजूर साहब गए हैं, सेवा किन्नी कीती। आनंदपुर साहब गए हैं, सेवा किन्नी कीती। ए सच्चा नावन दसदे ने महाराज सच्चे पाशाह। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन जी गुर की सेवा, गुर की सेवा। सच्चा नावन है गुरा दी सेवा, कर ले तू मेरे आवना। सच्चा नावन है गुरा दी सेवा, कर ले तू मेरे आवना। सच्चा नावन है गुरा
थां ते नौण नाल गल नहीं बनदी गुरमुखो, सेवा करनी भी जरूरी है। किसी भी गुरु घर विच सेवा कर लो, सच्चा नौण सेवा है गुरु घर दी। इशनान दा भी महात्म है, भावे फल उहदा भी मिलेगा, पर असल गल सेवा करन नाल बनेगी। गुरु घर विच बड़े बड़े वड्डे सेवादार होए ने, जिन्हां ने बड़ी घालना काली है। सेवा करन नाल गुरमुखो दो गल्लां प्राप्त हुंदियां ने, एक ते मन दी इच्छा पूरी हो जांदी है जिहड़ा सेवक बन जाए, ते सब नालों वड्डी गल इह मिलदी है, कृपा हुंदी है, बड़ा भयानक रोग जिहड़ा होमे दा, इह होमे दे रोग दा इलाज करदी है। होमे है ना जिहड़ी, इह होमे दीर्घ रोग है, होमे बड़ा भयानक रोग है। इस रोग तो बचना बहुत बहुत कठिन है, ते सेवा ऐसी दवाई है। एक ते मन दी इच्छा पूरी हो जाएगी, एक भयानक रोग तो छुटकारा भी हो जाएगा। सेवा करन वाले विच निम्रता हुंदी है, सेवा करन नाल मन नीवा हुंदा। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, होमे विचों जाए। मन की इच्छा भी पूरी होएगी, ते होमे दा भी नाश हो जाएगा सेवा करन करके। इस करके गुरु घर की चाकरी करनी, सेवा करनी, ये भागां वालियां नूं नसीब हुंदी है। मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, साबर सिदक शहीद परम पौ खोवना, गोला मुल खरीद करे जोवना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोवना। जिवें भाई गुरदास जी कहिंदे आ कि नौकर कम करदा है ना, नौकर है जिहड़ा उहनूं मालक दे दर ते घर विच कम करना ही पएगा। हुण असीं कई वारी कहिंदे आ मैं किहड़ा नौकर लगे आ, मैं इह कम क्यों करां, पर जिन्हें तनखाह लैनी है उन्हों कम भी करना पैंदा है। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिहड़ा सेवादार है गुरु घर दा, सेवक है जिहड़ा, वो अपने आप नूं नौकर समझ के सेवा करे। जिवें नौकर सेवा करदा गोला मुल खरीद कर जोवना, नौकर समझ के सेवा करे, ये ना आखे कि मैं किहड़ा किसे दा नौकर हाँ, नहीं, समझे अपने आप नूं गुरु घर दे असी नौकरी हाँ, इदां समझ के सेवा करे। भजे ना टले ना, नौकरी विच नखरे नहीं चलदे, उत्थे ते कम करना ही पैंदा है। टले ना सच्ची सरकार दी नौकरी करे, मन्ने के मैं गुरु घर दा नौकर हाँ, सेवादार बन के सेवा करे। आपां ते रोज पढ़ने आ तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, रखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सानू अपने दर दे गोले बना के रखो सच्चे पातशाह, गोले बन के नवाने बन के गुरु घर की सेवा करिए। सेवा नाल ही मन विच निम्रता आएगी, ये होमे दे रोग तो छुटकारा ही फिर होना। बड़ा भयानक रोग है, चार भरा हो गए तां मान हो गया, थोड़ी जी माया आ गई तां मान हो गया, थोड़ा जा शरीरक बल मिल गया तां मान हो गया, थोड़ा जा कोई साज बजाना आ गया तां मान हो गया, बाणी पढ़नी आ गई तां मान हो गया कि असी मेरे वर्गा पाठी कोई नहीं, बाणी दे अर्थ करने आ गए मेरे वर्गा कथा वाचक कोई नहीं, माड़ी जी साथ संगत, थोड़ा जा भी कोई कमजोर बंदा होवे ना, ये जिंदगी दे राहां उत्ते चारे पासे होमे बैठी है, हंकार बैठा है, बस माड़ा जा कोई कमजोर मिलदा जदों इहनूं उसे वेले दबोच लैंदा। ये ते कोई हुई है सच्चे पातशाह दी जिहदे उत्ते किरपा है। भजन करन वाले बंदगी वाले आत्मक जेतू सूरमे उन्हां तो हंकार डरदा है, नहीं ते माड़ा जा कमजोर वेख्या नहीं ते हंकार ने आके दबोच लैणा। भाइयां दा मान, माया दा मान, सेहत दा मान,
ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਾ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੰਗਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸੰਗਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸੰਗਤੇ ਕਾਲ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਦਾਨਾ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ
भाई मरदाना धन गुरु नानक देव साहब जी दे नाल तुरिया। बहुत राग विद्या दा धनी सी। मैं बड़ी बारी अर्ज कीती है मरदाने नू प्यास लगती सी उहदे विच वी किसे ना किसे दा भला ही छुपिया होया हुंदा सी। तान सैन दा दादा गुरु लगदा सी भाई मरदाना। तान सैन नू दुनिया जानदी मनदी है पर तान सैन भाई मरदाने दे चेले दा अगे चेला सी। बहुत राग विद्या दा माहिर सी। बड़ा धनी सी भाई मरदाना। मैं अर्ज परसों दे दवान विच कीती सी कि रबाबां बड़ियां वजण गईयां पर भाई मरदाने वर्गी रबाब नहीं वजाणी किसी। बंसरियां बहुत वजाण वाले ने कृष्ण वर्गी बंसरी नहीं वजणी किसी तो। वाजे बड़े चुकी फिरदे आ राडे वाले महापुरखां वर्गा वाजा नहीं वजणा किसी तो। सात संगत वो अपनी मिसाल आप सन। ते भाई मरदाने दी रबाब विच ताकत सी। जंगल होवे बियाबान होवे धन गुरु नानक देव साहब दा हुक्म सी मरदानिया तू रोज रबाब वजाउणी रोज आसा जी दी वार दा कीर्तन करना। कोई होवे ना होवे भाई मरदाना रोज आसा जी दी वार दा कीर्तन महाराज नूं सुणाउंदा हुंदा सी। कदे कदे मौज विच आ के गुरु साहब आप भी कीर्तन करदे ने। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। भिज के कोई गाउण वाला होवे अंदरों गाउण वाला होवे जिहो जिहा मर्जी गावे उहदे विच आनंद आउंदा रस आउंदा। दिलों जिहड़ी आवाज निकले उह दिल तक पहुंचदी है गुरमुखो। जिहड़ी जीभ तों ही बोली जांदी है उह कन्नां तक ही जांदी अंदर नहीं जांदी। जदों अंदरों कोई बोलेगा उहदी गल साडे अंदर तक जाएगी। दिलों जिहड़ा आवाज कढेगा उहदी गल दिल तक पहुंचदी है असर हुंदा है। रागी भाई हीरा सिंह अमृतसर दरबार साहब कीर्तन करदे सी। बहुत पंथक गुरमुख प्यारे सोच रखण वाले उहनां नूं रागी भाई हीरा सिंह बारे ज्ञान है। बड़ा उच्च कोटि दा रागी सी गुरमुख बिरती वाला। कहिंदे ने 12-12 घंटे भी उह कीर्तन करदा हुंदा सी। 12-12 घंटे रविंद्र नाथ टैगोर एक दफा अमृतसर साहब आया वह भी कई कई घंटे आके कीर्तन का आनंद माणिया करे। रविंद्र नाथ टैगोर ने एक बारी पंथ की मीटिंग हो रही सी आगू कट्ठे होए सन। भाई हीरा सिंह सामने बैठे सी। रविंद्र नाथ टैगोर ने आख्या मैं अज तक चोरी ना कीती है ते ना ही चोरी करन दी भावना मेरे मन विच आई है कि मैं कोई चीज चोरी करा ना। मैं अपनी जिंदगी च चोरी कदी कीती है पर जदों भी मैं दरबार साहब आउना ते भाई हीरा सिंह दा कीर्तन सुनदा है। कीर्तन गुरु का है पर इन्ने भिज के हीरा सिंह कीर्तन करता है मेरा जी करता है हीरा सिंह नूं मैं चोरी करके ले जावां। इन्ना रस ते मेरा जी करता है। ए रागी हीरा सिंह कीर्तन करता रवे ते मैं प्यार विच बैठ के कीर्तन सरवण करता रवां। सो गुरमुखो इदां दी भावना वाला सी भाई हीरा सिंह रागी। कई कई घंटे सतगुरु दे प्यार विच भिज के कीर्तन करना। कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी लाए ध्याना। आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह है पत स्यों जाएगा। कीर्तन परदाना कलयुग में कीर्तन परदाना कलयुग में
कल युग में है कीर्तन पर गाना, कीर्तन पर गाना कल युग में है युग में है कल युग में है परम गाना, कल युग में है कीर्तन प्रदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यो जाए। श्रद्धा भावना नाल कीर्तन करन वाला जेड़ा होवे, अंदरों कीर्तन करन वाला जेड़ा होवे, अंदर नू फिर ओदे नाल ठंड पैंदी है, मन नू शांति मिलदी। ते संगत जी भाई मरदाना बहुत भिज के आनंद नाल कीर्तन करदा सी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह फिर हंकारियां दा हंकार कढ़न वास्ते दूर दूर गए। मैं की अर्ज कर चुकिया, हंकार तो बचन वास्ते दुनिया छड़ी, परिवार छड़िया, संसार छड़िया, घरों निकल गए, पर हंकार ने फिर खेड़ा ना छड़िया। मेरे वर्गा फकीर कोई नहीं, मेरे वर्गा साधु कोई नहीं। तो गुरमुखो इसे तरह ही हसन अबदाल दी धरती उत्ते बड़ी कंधारी विच बड़ा हंकार आ गया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहिंदे चल मरदाने आ चलीए, मक्के तो हो के गुरु साहब उधर गए ने। सच्चे पातशाह किथे जाना है? कहिंदे एक अणतारू सी कोई ते ओ फस गया गहरे समुंदर विच, वड्डिया वड्डिया लहरां च फस गया, उन्हों कढ़ना पैना है। चल चलिए नाल लै के भाई मरदाने नू, सच्चे पातशाह पहुंच गए। सतसंग जी उस धरती उत्ते जदों हसन अबदाल आए, जिन्हों हुण पंजा साहब कहा जाता, हसन अबदाल उतों का स्टेशन है, पंजा साहब का साका भी होया है, जिथे भाई प्रताप सिंह ते महंत करम सिंह शहीदी भी जिन्हां ने उत्थे प्राप्त की है। बहुत वड्डी घालना घाली साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उत्थे पहुंचे, भाई मरदाने नू एकदम प्यास लग गई। सच्चे पातशाह कहिंदे मरदानिया कीर्तन करिए,
ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਚੱਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਓ ਵੇਖ ਆ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਡੇਢ ਦੋ ਮੀਲ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲਾ ਪਾਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
सच्चे पातशाह नाल ऐसा गूढ़ा नाता बन गया है। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। गुरमुखो कई बार असि कहने फलाना टुट गया, जेड़ा जुड़िया होएगा वो कदी नहीं टुटेगा, जेड़े तुहानू टुटे नजर आते ने कदे जुड़े ही नहीं सन, जेड़ा मनो जुड़ जाए वो नहीं कदे टुटता। अंदरों जी दे प्रीत होवे दिलों तुरे जेड़ा वो नहीं टुट सकता, कच्चे टुटते है। सच्ची प्रीत वाले नहीं टुटते, रोज अरदास करनी चाहिए सच्चे पातशाह। साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, अवर संग तोरी, अवर संग तोरी, तुम स्यों जोर, 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 अवर संग लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, खिंच के तनी हुई आ प्यारियां दी प्रीत हुंदी है, जेड़ी तोड़ियां ते टुटदी नहीं, छुड़ायां ते छुटदी नहीं। प्यार वाले जेड़े अंदरों प्यार करन वाले ने, अंदरों प्रीत है जिन्ना दे, ओ नहीं टुटदे कदी भी। अंदरों जेड़े जुड़े होए ने टुटदे ही ओ ने, जेड़े कच्चे ने पक्के नहीं टुट सकते। जिन्ह ने दिलों दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। भाई गुरदास जी कहंदे ने दीपक पह आवत पतंग, प्रीत रीत लग दीप कह महा विपरीत मिले जाग है। प्रीत दी परिभाषा दसदे ने, प्रीत की हुंदी है। कहंदे दीवे नाल पतंगा प्यार करदा, वेखो जदों दीवा जगेगा पतंगा उसे वेले आ जाता, आके ते दीवे दे आले दुआले मडराउणा शुरू कर दिंदा। पतंगा प्रीत करदा, दीवा प्रीत नहीं करदा। आले दुआले आके दीवे दियां परकरमा करदा, प्यार प्रीत दी रीत नभाउण वास्ते पतंगा आउंदा है, पर दर दे उत्ते आए हुए पतंगे नूं उही दीवा जिन्ने साड़ के सवा कर देना। जेड़ा पतंगा रात नूं मडराउंदा फिरेगा, सवेरे मरिया पिया हुंदा। कदर नहीं पई एक अंगी एक पासड़ एक तरफी दुखदाई प्रीत है, इहदे च सुख नहीं। एक पासड़ है एक तरफी, एक तरफा प्रेम कोई भी है बड़ा दुखदाई हुंदा है। मां प्रेम करती है पुत्र प्रेम नहीं करता, मां दुखी है। प्यो प्रेम करता है पुत्र प्रेम की कदर नहीं करता, यह दुखदाई प्रीत दुख देने वाली। प्रीत सुख वह दिंदी है जिथे दोवां पासे प्रेम हो, उथे सुख मिलता है।
पर जिहड़ी साडी संसारक प्रीतां ने यह ज्यादातर दुखदाई दुख देण वाली इन्हां च सुख नहीं। सच्ची प्रीत ते गुरु दी ते सिख दी है इत्थे कदर पैंदी है प्रेम दी, नहीं ते कोई कदर नहीं पैनी। जिन्ना मर्जी कर लो जो मर्जी करते रहो सारी जिंदगी ला दे भावें एक दिन ऐसा हुंदा सब भुल जांदे ने कोई याद नहीं रखता भी कोई दादा पड़दादा है भी सी साडा। बस ओना कु चिर है जिन्ना चिर शरीर च सवास चलते ने। हुण ते शरीर च सवास चलते भी किन्ने वेख आप वेखने ही आ जिउंदे ही पुत्तर कब्जा कर लैंदे ने। घर बनाया तू बच्चे जम्मे व्याह होया बच्चियां नू व्याया बस बच्चियां दे छादी होण दी देर है व्याह होण दी देर है घर दे मालक ओ बन जाणगे। तुसी कदी भी पुछो बेबे किहदे नाल रहिंदी है कहणगे इहनू मैं रखिया होया। वड्डा भरा वखरा है छोटे दा घर ओ बणिया विचालड़े दा घर आ बणिया बेबे बापू किथे ने ते मुंडा कहेगा इह मेरे नाल रहिंदे ने छोटा कहेगा इहनां नू मैं रखिया होया। तेरे तो ते ज्यौंदे तो ही मलकीयत खो ली ज्यौंदे ही मालक नहीं रहा घर तेरा है। बच्चे ये नहीं कहणगे कदी कि बेबे बापू नाल मैं रहिंदा कहणगे नहीं मैं बेबे बापू नू रखिया ये हाल है। ज्यौंदे ही मालक ओ बन गए खत्म हो गया सारा कुछ। किते किते आपां वेखने आ कदर है माता पिता दी बजुर्गां दी नहीं तो बड़ी बेकदरी होंदी है बाहरलिया देशां च भी वेखीदा है। हां भी नाश नहीं सारे नहीं इदां करदे पर बहुतियां दा बुरा हाल है। बेबे आ जरूर तेरे बिना नहीं सरदा अमरीका वह बेचारी जांदी है इत्थों उत्थे कहणगे असीं कम्म ते जांदे आ तू साडे जवाक खड़ाई चल कर उत्थे बच्चियां नूं खड़ाई जाणगियां बेचारियां। बड़ियां मातावां कई दुखी ने विदेशां च बजुर्ग बड़े दुखी ने बाप बच्चे काम ते चले जाते ने फिर बेचारियां सारा सारा दिन बच्चे सामदियां ने उन्होंने पहला अपने पाले फिर अगे उन्होंने पालने पैंदे ने। ते कदर ते ऐसी ही करनी है इत्थे बड़े ने ऐसे जेडे फोन ते कह देणगे कोई नहीं आपे संस्कार कर दिओ मेरे तो नहीं आया जाना छुट्टी नहीं मिलनी। कदर ते आपां नूं पता ही है इसे करके प्रीतां झूठियां ने नानक कचड़ियां स्यों तोड़ इसे करके किया। ये कच्चे रिश्ते ने ये नाते कच्चे ने ढूंढ सज्जन संत पक्के सज्जन लब लै पक्का ओए जवंदे विछड़े ओए मोया ना जाही छोड़। ये सिख दा गुरु दा नाता सतगुरु ने एक त्यों ने जेडे जांदे नूं छड जाणगे माया गई ते रिश्ते टुट गए पर सतगुरु ने जिन्हां ने मरण तो बाद भी तेरा साथ निभाना है छड़ना नहीं कदी भी। एक बारी जे बांह फड़ा देवे कृपा हो जाएगी ते गुरमुखो पक्का नाता सिख दा ते गुरु दा। दास बेनती करदा सी दीवे नाल पतंगा प्रीत करदा है पतंगे नाल दीवा कोई प्रेम नहीं करदा सगो साड़ दिंदा उन्नू। अगे कहिंदे ने अल चल आवत कमल पै स्नेह कर कमल संपुट बांध प्राण प्रहार है। भवरा कमल फुल नाल प्यार करदा है आले दुआले परिक्रमा भी करदा है उहदे ते बैठ जांदा है रस लैंदा है। कहिंदे कमल फुल ने शाम नूं पंखड़ियां बंद कर लेणियां ने भवरा विच ही आ जांदा है ਉਹ ਭਵਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦੋ ਬੜੇ ਭਵਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਵਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਲ ਮੀਨ ਲਵਲੀਨ ਗਤ ਬਿਛਰਤ ਰਾਖ ਨਾ ਸਕਤ ਗਹਿ ਡਾਰ ਹੈ। मन बचन कर्मा करके मच्छी पानी नाल प्रेम करती है तड़फ तड़फ के मर जाएगी पानी तो बिना मच्छी माड़ा जा पानी तो बाहर कढ दियो मर जाएगी। कहिंदे फड़न वालिया ने मच्छी फड़ ली फिर उहनू निक्के निक्के टुकड़े करके कटिया फिर उहनू तेल विच तलिया
फिर प्लेटां च रख के दंदां थले दबा चबा चबा के निक्की निक्की करके ढिड च चली गई। पर कमाल दी गल ए है निक्के निक्के टुकड़े होण तों बाद भी मच्छी पानी पानी कूकना नहीं छड़दी। कहिंदे ने मच्छी खाण वाले नूं घर वाली नूं कहना पैंदा मेरे सराहणे पानी दा जग रख दी अज प्यास बहुती लगे। कहिंदे फिर भी ओह पानी पानी कूकदी रहिंदी है। मच्छी इन्ना प्रेम करदी है पानी नाल, निक्के निक्के टुकड़े ते हो जांदी है पर फिर भी पानी 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 कूकदी रहिंदी है। ये एक पासड़ प्रीता ने सारिया। भाई गुरदास जी कहिंदे ने दुखदाई प्रीत की प्रतीत कै मरै ना टरै। ये दुख देण वालियां प्रीता ने सदियां तो भवरे मरदे आए ने, हुण किहड़ा आउणा बंद कर दिता। कमल फुल खिड़नगे ते भवरे फिर भी आउणगे। सदियां तो मच्छियां तड़फदियां रहियां ने, अज किहड़ा छड्ड दे खैड़ा उहनां ने भी छड्डो परां। अज भी मच्छी नूं पार कढोगे अज भी मरेगी। सदियां तो पतंगे सड़दे आए ने, छड्डिया नहीं खेड़ा। अज भी शमा ते पतंगे सड़दे ने, आउणा उहनां ने अज भी बंद नहीं कीता। दुख देण वाली प्रीत उत्ते भी उहनां नूं प्रतीत है, भरोसा है, छड्डदे नहीं। भाई गुरदास जी कहिंदे आ उह जदों दुख देण वाली प्रीत नहीं छड्डदे ते गुरु दा सिख सुख देण वाली सुखदाई गुरु दी प्रीत नूं किवें छड्ड देवे। दुखदाई प्रीत प्रीत की प्रतीत कै मरै ना टरै। गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों बसार है, किवें छड्ड देवे। उह ते हमेशा कहिंदा रहिंदा है मोहे ना बसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बसारो मैं जन तेरा, हट के मोहे ना बसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बसारो सोच दिन राती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को पाती। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बसारो मैं जन तेरा।
मेरी हर हो विपत जन करो हो सुपाई, चरण न छाड़ो शरीर कल जाई, कह रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन कर नाम लंबा। प्यार वाले ते कहिंदे ने जो मर्जी हो जाए असी अपने सतगुरु दा द्वारा नहीं छड़ना, कच्चे छड़दे ने पक्के नहीं छड़दे कदे। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं जिन्हां ने पछाण लिया, जेड़े समझदे ने गुरु ग्रंथ साहब जी की ने, ओ मरनी मर जाणगे अपने सतगुरु दा द्वारा नहीं छड़नगे कदी भी। जे तू मित्र असाडड़ा हिक भोरी ना विछोड़, जियो महंजा तो मोहया कद पसी जानी तोहे। ओ ते कहिंदे ने पल भी अपने तो दूर ना कर विछोड़ा ना पा, जेड़े सतगुरु नूं पछाण दे। पर कोई कोई हुंदा पछाणन वाला, कोई कोई हुंदा है जिन्हों पछाण आ जांदी है। ते संगत जी भाई मरदाना वली कंधारी पास जांदा है, आखन लगा पानी पीण आया है, कहिंदे हां जी पानी पिया दिओ, मिल जाएगा पानी, मेरा चेला बन जा गुरु नानक दा खेड़ा छड़ दे। भाई मरदाना कहिंदा मैं चलिया मुड़ के, मैनू लोड़ ही नहीं पानी दी। भाई मरदाना वापस आ गया, सच्चे पातशाह कहिंदे पी आया पानी, कहिंदा जी तुसी ते कहिंदे सी ओ फकीर है, तुसी ते कहिंदे सी ओ साधु है, पर ओदे विच ते साधुआं वाली कोई गल नहीं। सच्चे पातशाह ओ ते बड़ा क्रोधी है, बड़ा गुस्से वाला है। सच्चे पातशाह ओ ते कहिंदा है कि मैं मैनू उन्हें आख्या कि मेरा चेला बन जा फिर पानी मिलेगा। सच्चे पातशाह आखन लगे मरदानिया फिर तू ओदा चेला बन जाना सी, साडे कोल तैनू औखे रहना पैंदा, भुखे भी रहना पैंदा, तकलीफ सहनी झलनी पैंदी है। कहिंदा सच्चे पातशाह भावें औखे रखो भावें सौखे रखो, भुखे प्यासे रखोगे जिवें रखोगे तुहाडे चरणा विच ही रहना। मैं कल भी आप जी दे चरणा विच अर्ज कीती सी कि ये प्यार वाले कहिंदे ने सूली उत्ते टंग दे मैनू भावें पुठी खल लुहा दे, देगा विच उबाले दे दे पैरां हेठां अग विछा दे, पुठा करके भावे साइयां तू लमका दे खूहे अंदर, ज्यों भावे त्यों रखी ऐ पर रखी अपने बूहे अंदर। मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, ओ मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, मारो जातारो जी बन के असी तेरे ही रहना, बन
ना भाई सच्चे पातशाह महाराज आखन लगे मरदानिया उहदा सेवक बन जाना सी कहिंदा ना महाराज नाराज मैं भावे हो जावा लड़ भी पैना कई बारी पर वो भी प्रेम विच सी केड़ा घाटा तुसी रब दे डूम मैं तुहाडा डूम मैं तुहाडा सेवक तुसी रब दे सेवक तुहानू अकाल पुरख ते मान है मैनू तुहाडे ते मान है सत संगत प्यार विच कई बारी इदां हुंदा सी बेनती करांगा पहरेदारां नू सवा दस बज गए ने पूरे पौने दो घंटे हो गए कीर्तन शुरू होए दो घंटे दा दवान हुंदा है आम पौने दो घंटे ते मत्था टेक दिया दे लग गया हुण किन्ना कु समां रह गया मगर मसा अद्धा घंटा पौना घंटा बाकी है ते बेनती करांगा प्रबंधकां दे चरणां च के तकरीबन मत्था टेक लिया थोड़े बहुत रह गए ने बाद च टका देंगे अद विचाले रस्ता बंद कर दिओ अद विचाले रस्ता बंद कर दिओ सारी संगत नूं कृपा करके बिठाउण दी खेचल करो उठ उठ के कोई अगे ना आयो भाई बीबियां अपने आले पासे भाई भाइयां आले पासे सजे दिओ उठ उठ के कोई अगे ना आयो क्योंकि अमृत छक के भी संगत ने आउणा है उहनां नूं भी आपां बैठण वास्ते जगह देनी प्यार नाल आपो अपनी जगह ते सजे रहो क्योंकि इहदे च कोई शक नहीं जिन्ना चिर संगत मत्था टेकदी रहिंदी है उन्ना चिर एकाग्रता नहीं बनदी उन्ना चिर रस नहीं बनता उन्ना चिर टका नहीं बनता जदों सारी संगत बैठ जाती है फिर एकाग्रता बननी बड़ी सौखी है थोड़ा जा बेनती है कि प्यार नाल थोड़े जे मिनट ही रह गए ने अपने कोल बाकी एकाग्र चित हो के बैठण दा यतन करो ताई रस आ सकदा है सच्चे पातशाह आखन लगे मरदानिया उहदा चेला बन जाना सी तू कहिंदा महाराज उहदे अल वेखण नूं जी नहीं करदा फकीर ते उह है उह खट्टियां खट्टियां अखां कढदा जदों अगों जांदे आ महाराज मैं उहदा चेला बन जां तुहानूं छड के जच दा ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो अखिया अंदर जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो अखिया अंदर जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो अखिया अंदर जचता ना कोई होर वे साईआ जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो अखियां जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो अखियां अंदर जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो बह जो भाई बह जो जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे पाजो पड़ो मैनू जपन छोर वसाइया तेरे बाजो गीत जगत दे मैनू जपन छोर वसाइया तेरे बाजो गीत जगत दे मैनू जपन छोर वसाइया तेरे बाजो गीत जगत दे मैनू जपन छोर वसाइया तेरे बाजो मैनू जापन छोर साईआ तेरे बाजों गीत जगत दे जचता ना कोई होर वे साईआ तेरे बाजों अखियां अंदर जचता ना कोई होर वे साईआ
तेरे पास जो अखियां गजबाना कोई हो सैया तेरे पास जो अखियां गजबाना कोई हो सैया तेरे पास जो बैजो भाई पहरेदार भी सज जाओ संगत अपनी अपनी जगह ते प्यार नाल बैठे प्रेम नाल सारी संगत नू बिठाओ प्रेम नाल ध्यान दियो भाई सच्चे पातशाह तुहाडे बिना होर इन्हां अखां नू कोई भा नहीं सकदा चंगा नहीं लगदा भाई गुरदास जी कहिंदे ने जैसे पति बरता पर पुरख है ना देखियो चाहे पूर्ण पति बरता कै पत ही कै ध्यान है कहिंदे जड़ी पति बरता स्त्री है ना उहदी इह निशानी है लखां बंदियां विच भावें विचरदी बैठी होवे पर ध्यान उहदा अपने पति विच ही रहिंदा अपने पति दा ही जिहदे जिहनूं ध्यान होवे उहनूं पति बरता स्त्री कहा जांदा जिथे पति बरता होणा एक औरत वास्ते लाजमी है उत्थे पत्नी बरता होना एक भाई वास्ते भी लाजमी है पति बरता बने बीबी पत्नी बरता भाई भी बने एक नारी जती होए पर नारी धी भैण देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाण हों तिस कोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे हों तिस कोल कमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे ये गुरमुखां दे गुरसिखां दे लक्षण हन पति बरता धर्म विच कायम रहना चाहिए ते गुरमुखो कहिंदे पति बरता जिहड़ी इस्त्री है लखां च बैठी दा ध्यान भी अपने पति च रहिंदा है दूसरा प्रमाण नंदन सर सरता समुंदर चातरक न चाह है काहू आस कन बूंद प्रिय प्रिय गुण ज्ञान है चातरक कहिंदे ने उहदी आस है कि वर्खा होएगी फिर पानी पीना है किसे ने आख्या इन्नियां नदियां इन्ने नाले इन्ने दरिया वगदे ने ओए तू पानी नूं पीना पी लै ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਗਦੇ ਨੇ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਝੇਗੀ ਜਦੋਂ ਘਨ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਵਗਦਾ ਵਗਦਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਕਰ ਔਰ ਭੋਰ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਚਕੋਰ मन बच कर्म हिमकर प्रिय प्राण है कहिंदे ने दिमकर सूरज नूं कहा जांदा ते हिमकर चंद्रमा नूं कहा जांदा ते चकोर नूं किसे ने आखिया छड खेड़ा चंद्रमा दा तू सूरज नाल प्रेम कर लै टिकटिकी लगा के वेखदी रहिंदी है चंद्रमा वल भावें गर्दन आकड़ जाए ते किसे आखिया छड खेड़ा चंद्रमा ते घटदा रहिंदा है वधदा रहिंदा है मस्से वाली रात नूं दिसदा ही नहीं तू प्रेम ही सूरज नाल कर लै इहदा खेड़ा ही छड्ड दे उह वड्डा भी है बहुत ते चकोर कहिंदी है वड्डा होएगा या अपने घर होएगा मैं सूरज तों की लैणा है मेरी प्रीत ते चंद्रमा नाल ही है मेरे वास्ते ते उही सब कुछ है मैनूं नहीं लोड़ मन बच कर्म हिमकर प्रिय प्राण है मेरी प्रीत ते हिमकर भाव के चंद्रमा नाल ही है मैं नहीं छड़ना इसे करके प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब च मिलदे ने चकोर दे ते चंद्रमा दे चंद्रमा प्रेम नहीं करदा ये चकोर ही प्रीत करदी है चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले चकवी सूरज हेत है मिल होण सुखाले ऐसी प्रीति कर ले जिवे चंद ते चकोर दी ऐसी प्रीति कर ले जिवे चंद
ਸੱਜ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੇ ਰਹੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ Yeah.
है लाए तार निहाले। आओ पांच प्यारियां नूं आउण दिओ भाई सिंघो, प्यार नाल सारी संगत ने उठना नहीं किसे ने, आपो अपनी जगह उत्ते सजे रहना है। अमर छक के आने वाले सारे जी आया धन भाग, जिन्हों उ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने कृपा की है, अपने बनाया है सच्चे पातशाह की मेहर न खालसा पंथ साडा जेड़ा ध्यान दौ गुरमुखो ध्यान दौ असली परिवार जेड़ा वो साडा वध्या खालसा परिवार है, जिदे वास्ते कलगीधर कहिंदे ने सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा। आओ अमर छक के आन वाले नूं जी आया नूं आखिए आओ खालसा जी तुहानूं जी आया करो भाई जिन्हों सतगुरु के वधे परिवार का चा है, जिन्हों सतगुरु के वधे परिवार की खुशी है, उन्होंने सब दिया बाहां खड़िया होनिया चाहिए। सारे कृपा करो अज की बड़ी लोड़ स्पिरिट की वीर रस की, असी जा सौ गए हैं इसे करके बहुत सारे लोग साड़ी कौम गुमराह कर रहे हैं। पंजाब विच जिन्ने डेरे ने किते भी नहीं, डेरे डेरे विच फर्क है, ये भी ध्यान रखना। एक डेरे वो ने जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, जिथे साध संगत गुरमत की सोझी दिती जांदी है। पहले समयां विच महापुरखां दे स्थानां नूं जिथे बाणी की संथ्या कराई जानी, पाठी बनाए जाने, उन्हां नूं भी लोग डेरे कहिंदे सी, वह डेरे नहीं। जिवें अजकल थां थां ते बड़े लोग हन जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा नालों तोड़ के सिखी दे सुनहरी सिद्धांतां सूलां नालों तोड़ के केवल शरीर दे मगर लाउंदे, उन्हां तों बचण की लोड़ है। संगत नूं बेनती आओ सारे बाहां खड़ियां करियो, वेख वेख के कईआं दा जीवन बन जांदा है। Yeah, Paul.
पंथ की शान है, अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है, आगे भई काल की नवी पलायो, हर सिखन को गुरु मान्यो, 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 फूल के निशान ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੀਵਾਨ ਪੰਡਾਲ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਤ ਪੁਣਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦਿਓ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਐਡਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ 10-8 ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 8 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਸਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੱਦ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ਮਾਰੋ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕੈਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਸਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਖੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਏਡਾ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200-400 ਹੋਏਗਾ 99% ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜਥੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
पता सानू भी है भी दस साल लंघ गए ने, होर कर लो पांच साल, दस साल, बीस साल, असी सारियां नू नहीं इस पासे तोर सकांगे, पर चलो कुछ ना कुछ असर ते होएगा। सारे जने बह जाइए भी असर ही नहीं हुंदा जी, लोग ते मनदे नहीं, फिर नहीं गल बनदी। थोड़ा थोड़ा यतन करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे फिर आपे मर्ज मेर करते ने फल भी मिलता है। थोड़ी जी हिम्मत की लोड़ है ते सारे जागीए, सारे रागी, सारे ढाडी, सारे प्रचारक केवल माया वाले पासे ना तुरिए, साडी ड्यूटी नू ड्यूटी भी फर्ज समझिए, यह साडा फर्ज बनता है। अज कौम नू लोड़ है चंगे प्रचारकां दी। मखण शाह लबाणे ने आख्या सी गुरु तेग बहादुर साहब जी, मैं दसण चलिया गुरु लद रे लभ गया। मखण शाह जे दसेंगा तेरा मूंह काला करांगे। कहन लगा महाराज कालख लैके मूंह ते मल ली सी आपे ही, एक वारी रोको हजार वारी रोको, बार संगत दा हाल वेखो की है, लो मैं मूंह अपना मूंह काला आप ही कर लिया है, पर जेड़ा काम करन चलिया मैनू पता है अगे मुख उजला हो जाएगा। ऐसे प्रचारकां दी लोड़ है अपना मूंह काला करवा के भी सच दा होका देनो रुक पिछे ना हटन। अज लोड़ है इस गल दी, स्पिरिट बना के तुरिए। बाकी बात सौखी नहीं, इत्थे कहना राज करेगा खालसा, देख देख फतेह पंथ की जीत, ये सौखी नहीं। अज दे समय च बहुत सारिया एजेंसियां काम कर दियां ने, हमेशा उन्हां दी यही नजर आ कि कादे वास्ते इदां प्रचार हो रहा है। जदों जदों भी सिखी का प्रचार करन लई कोई तुरिया है, उवें उवें ढाल लाउण लई भी एजेंसियां काम कर दियां ने नाल नाल, पर तुहाडी मेहर नाल सतगुरु की कृपा नाल हुण तक तुरे आए हैं। अरदास करियो अगे भी इसे तरह होका देंदे रहिए, सतगुरु की कृपा, धन गुरु ग्रंथ साहब की मेहर आपे मेहरा कर देन। संगत जी बहुत अज नाजुक हालत बन गई है साडी, हालात बड़े नाजुक ने, कदी किते किसे पासे कोई, किसे पासे कोई, किसे ना किसे तरीके द्वारा ठग रहा है। तेरे खंडे ने जिन्हों के मूंह मोड़े, अज फिर सानू ललकार देने, बाजा वाले आ बाज नू भेज मुड़ के, तितर फिर उड़ारियां मार देने, अज फिर लोड़ है जागण दी। ते बेनती है रल मिल के सारे अपना फर्ज समझो, अमृतधारी होवो, सिंह सजो, होरानू की जोड़ना सी आप ही जुड़ जाइए, यही बड़ी वड्डी गल है। अज दे समय विच जुड़ जाइए, अमृतधारी होइए, दाड़ियां केस रखिए, पक्के नहीं कदे टुटदे। मैं बेनती कर रहा सा, पति वरता स्त्री लखा च बैठी होवे, ध्यान उहदा अपने पति च ही रहेगा। कदे भी सात संगत चातरक पानी नहीं पींदा, बाहर दरिया नदियां वगदे ने वगदे रहन, आस घन बूंद प्रिय प्रिय गुण ज्ञान है, चंद्रमा नाल प्रेम है चकोर दा, सूरज भावे वड्डा पर ओ टिक टिकी लगा के चंद्रमा वाल ही वेखेगी। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने इसे तरह जिहड़ा पूरन गुरसिख है ओ भी अपने सतगुरु तो बिना किसे होर नाल मन नहीं जोड़ सकता। पक्का है जेड़ा कच्चे ते दर दर ते फिरदे ने, फरौंतल ने जेड़े कदी किते कदी किते कदी किते दर दर ते भटकदे आ, पर जेड़े सचमुच गुरु ग्रंथ साहब नू पछाणदे ने मरनी मन मर जाणगे, सतगुर दा द्वारा छड के नहीं जांदे कदी। महाराज आखण लगे मरदानिया ओ वेख लैणा सी ओहदे गल मन के, कहिंदा ना महाराज वली कंधारी ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਚਲੋ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਾੜੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਬਾਬਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
तेर मेर दूर कर मौजा माणीए रब दिया बंदिया नू रब जानिए प्यार दा सिद्धांत है मेरे नाल प्रेम करना मेरे कुत्ते नाल भी प्रेम कर ये प्रेम दा सिद्धांत है जे मेरे नाल प्रेम करना है मेरे कुत्ते नाल भी प्रेम कर रब कहिंदा जे मैनू प्यार करदा ते मेरी बनाई कुदरत नाल भी प्यार कर कादर कहिंदा जे तेरा मेरे नाल प्यार है मेरे बनाए बंदिया नाल भी प्यार कर विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई ना को वैरी ना है बगाना सगल संग हमको बन आई ये सिद्धांत है प्रेम दा ओदी कुदरत विचों कादर नू वेखना कुदरत नाल प्यार करना कादर नाल प्यार करना हुंदा रब दे बनाए बंदियां नाल प्यार करो और रब भी फिर खुश हो जांदा ते साध संगत रब नाल ते प्यार करन दा दावा करदा है बली कंधारी पर एक रब दे प्यार विच भिजे होए भाई मरदाने नू पछाण ही ना सकिया मैं नहीं पानी देना जा दौड़ जा भाई मरदाना फिर आ गया सच्चे पातशाह पानी नहीं मिलिया सतगुरु कहिंदे जा मरदानिया एक वारी होर जा एक वारी बस चलिया जा सच्चे पातशाह इत्थे ही मार दिओ मैनू पता हुण उहने मैनू छड्डणा नहीं जे मैं तीजी वारी चलिया बड़े गुस्से वाला है बड़ा क्रोधी है महाराज कहिंदे नहीं एक वारी चलिया जा फिर मरदाना तीजी वारी जांदा गुरमुखो लड़खड़ाउंदा होया पहुंचदा है अगो वली कंधारी ने सोटा चुक लिया कहिंदे मैं तेनू छड्डना ही नहीं मेरा चेला बन जा वो कहिंदा तेरा चेला टोबे छपड़ा विच नहीं हाथ पाउंदे लाउंदे सागरां विच जो तारियां ने वो कदे बगलियां विच नहीं रल पैंदे हंसा नाल जिन्हां दियां यारियां तेरा चेला बन जा मैं बाबल मेरा वध समरथ 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 करन कारण प्रभु हाना करन कारण प्रभु हाना मुक्ति नहीं जेड़ा पानी दा गिलास नहीं पिया सकता तू मैनू मुक्ति की देगा तेनू ते आप ही नहीं पता जेड़े तेरे लक्षण ने तू ते आप ही मुक्त नहीं होना सानू कित्थों मुक्त कर देगा तू मैं ते उसे कोल ही कहना मैनू होयो रब चंगा जेड़ा देवे मुक्ति होयो रब चंगा जेड़ा देवे मुक्ति मैनू होयो रब चंगा जेड़ा देवे मुक्ति मैनू होयो रब चंगा जेड़ा देवे मुक्ति मैनू होयो वारी देखते सही मेरे सतगुरु दे चरणा च जाके किथे तू किथे मेरा बाबा नानक किथे मेरे सच्चे पातशाह लैन जान
ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ 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 ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜੇ ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਾਏ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲ ਛਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵਰਦਾਨੇ ਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਫਿਰ ਪੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿੜਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਕਦਮ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਪੀ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਲ ਛਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਤਿਆ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਉਤਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ
पानी उन्हें की पीना सी उत्थे ही रोड़ दिता आई आई करदा लुक गया पर लुकिया गुरु नानक दे पिछे परे नहीं भज्जिया भी पत्थर ते इत्थे आएगा आपां परां नूं भज लो नहीं उत्थे ही गुरु नानक देव साहिब जी दे पिछे ही नीवी पा के बह गया वेखदा मिंट दो मिंट पांच मिंट लंघ गए अजे तक आया ही नहीं अखां खोल के वेख्या आउण वाले पत्थर नूं गुरु नानक देव साहिब जी ने पंजा ला के रोक लिया पंजा ला के गुरु नानक देव साहिब जी ने उस पत्थर नूं रोकिया गुरमुखो सच्चे पातशाह वल वेखदा भाई मरदाना कहिंदा महाराज शकदे शकाउंदे ते है कुछ नहीं इन्नी ताकत कित्थों आ गई सच्चे पातशाह एडा वड्डा पत्थर पंजा ला के रोक लिया पंजा गुरां ने पहाड़ उत्ते लाया पत्थरां दा मुल पै गया गुरां ने पहाड़ उत्ते लाया पत्थरां दा मुल पै गया पंजा गुरां पंजा गुरा ने पहाड़ उत्ते लाया पत्थरा का मुल पै गया ने पहाड़ उत्ते लाया पत्थरा का मुल पै गया पंजा गुरा ने पहाड़ उत्ते लाया पत्थरा का मुल पै गया पंजा गुरा ने पहाड़ उत्ते लाया पंजा लाया महाराज ने कहिंदे ने जदों जदों सरकारां आईयां ने उन्हां ने पंजे नूं मिटाउण दी भी कोशिश कीती है जिन्ना ओह पंजे नूं तराशदे ने जिन्ना उस पत्थर तो पंजे नूं मिटाउण दी कोशिश करदे ने कहिंदे ओह गुरु नानक दा पंजा उन्ना ही डूंघा हो जांदा बड़ी वारी उहनूं ढाया भी गया ओह ढहिंदा ही नहीं पंजा ऐसा पंजा महाराज ला गए जदों पत्थर रोकिया फिर बड़ी कंधारी आया थले जदों कीते ना देदार भले जी भले दिन आए मेला होया सारूआं भले जी भले दिन आए मेला होया सारूआं भले जी भले
देव साहब जी दे चरणा ते पर्वत भी चुके ने गुरमुखो। महाराज सच्चे पातशाह ने जदों मां ने पुछया सी कहिंदे ओ पंडिता किहो जिहा होएगा पुत्र साडा। उस वेले रवाज सी कहिंदे गौगर सागर मार्ग देई निसबासर आयस मैं सेई रस्ता देंगे समुंदरां दे पानी माता तेरे लाड ले 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 देव साहब जी दे दर्शन कीते चरना ते सिर रखिया सच्चे पातशाह कहिंदे ओ रब दा फकीर होके रब दे बनाए बंदियां ते कहर ढाई जांदा। रब दी इबादत करनी सी लोकां तों करवाउणी सी पर तू ते आप ही रब बन के बह गया तू कादा फकीर है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दीदार करके चरना ते ढह पिया कहिंदा सच्चे पातशाह मेर करो माती मेनू होनाई मेनू ते पता ही नहीं सी। सच्चे पातशाह ने नीवियां नू उच्चे कीता है पर उच्चियां दा हंकार कढ के उहनां नू भी बराबर कीता है। बराबर ताई दुरकारे समाज वल्लों लताड़ियां नू उच्चे चुकिया ते जिहड़े बड़े वड्डे हंकारी बन चुके सन तुरदे सन गरीब मजलूम लताड़े जांदे सन उहनां नू गुरु साहब ने नीवियां भी कीता है। निम्रता गहना है जेड़ा नीवा है वह हमेशा बख्शिश नाल भरिया रहिंदा है। पानी धरती विच भी है ते पानी टंकी विच भी पाया होया हुंदा है। खूह बड़ा वड्डा है वड्डियां वड्डियां दो दो लख लीटर दियां टंकियां भी ने टंकियां उच्चियां ने खूह नीवा है। खूह चो जिन्ना पानी कढोगे ओना उहदे विच होर आ जांदा है पर टंकी विच निक्की जी टूटी ला दिओ थोड़ा थोड़ा पानी निकलदा रहे खाली हो जाएगी। निक्की जी टूटी ला दिओ छोटी जी उहदे नाल थोड़ा थोड़ा पानी भी निकले ना जे ते टंकी ने एक दिन च दो दिन च दस दिन च खाली हो जाना है। खूह चो जिन्ना मर्जी कढ़ी जाओ ओना ही हो रहा जाना। जेड़े नीवे ने ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਢਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ
ਡਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਲ ਹੋ ਜਾਏ ਡਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਚੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ